एक चुनौती है झारखंड राज्य के हर एक व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे और हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे। मेरा नाम मरियम गुड़िया है। अच्छा, आप हॉस्पिटल में ही है? जी सर, यहीं पर? जी सर, सदर हॉस्पिटल में हूँ, 2013 से। मतलब ये एक इसमें सफाई में मिल जाता है थोड़ा सा दिखा के क्योंकि कुछ जो है इसमें लगा रह जाता है। अच्छा, एक में 5 आदमी को लगना है? नहीं सर, 10 आदमी। सर, 5 लेना है। 0.5 में देखिए, ये इम्यून इतना बड़ा नहीं। रंजू को बुलाओ, इसको रब करने के सिद्धांत। वैश्विक महामारी के दौर में आज अंतोगत्वा देश को कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिल ही गई और आज ये वैक्सीन हमारे राज्य में भी हमें प्राप्त हुआ है और इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। मेरा नाम डॉक्टर रंजू सिन्हा है। मैं सदर हॉस्पिटल रांची झारखंड में पैथोलॉजिस्ट के पद पे काम करती हूँ। आज मुझे लाभुक के रूप में दूसरे नंबर पे टीकाकरण दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस टीके में बहुत थोड़ा लेने में दर्द होता है, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ये भारत के वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से टेस्ट किया हुआ वैक्सीन है। मेरा नाम डॉक्टर उषा सिंह है। मैं डेंटल सर्जन के पोस्ट पर सदर अस्पताल रांची में पोस्टेड हूँ। मैं काफ़ी सम्मानित महसूस कर रही हूँ, मुझे 5 बेनिफिशियरी में चुना गया है। मेरा काम ही पेशेंट के मुंह में जाके करना था, तो मुझे इस समय काम करने में काफ़ी डर लग रहा था। हम काफ़ी डर से अपने पेशेंट को छूते थे, बट वैक्सीनेशन लेने के बाद मेरे मन से ये डर चला जाएगा और मैं सभी लोगों का काफ़ी आसानी से काम कर पाऊँगी और उन्हें जो सेवा देना था मैं दे पाऊँगी। बाकी लोगों से भी मैं अपील करती हूँ कि इस वैक्सीन से डरे नहीं, ये हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करके बनाया है, ये बहुत सेफ है, इसे लगाना है। लगाने के बाद ही हम ये जो मास्क और 2 गज की दूरी अपना रहे हैं, कुछ समय के बाद हम इसे शायद छोड़ पाएं। अभी हमें आफ्टर वैक्सीनेशन ये फॉलो करना है, क्योंकि सभी लोगों को वैक्सीन लगाना जरूरी है। धन्यवाद।